हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना कहानी। जैसा कि मैंने आज कोरोना वैक्सीन ले लिया है, तो बहुत सारा डर था, अफवाह था, बहुत सारे दोस्तों से भी बात करता था तो कोई लोग बोलता था कि मेरे घर में वैक्सीन लेने के बाद मर गया है, कोई बोलता था बच्चा नहीं होगा वैक्सीन लेने के बाद। लेकिन फिर भी सोचा कि यार इतना लोग ले रहे हैं तो चलो देश के लिए, इतना बेवकूफ़ थोड़े हैं इंडियन गवर्नमेंट के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वैक्सीन लगवा रही है ताकि लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाए। तो मैंने आज कोविडशील्ड वैक्सीन जाकर लिया। तो बताऊंगा आज का कहानी, जैसे कि आप जानिएगा। सबसे पहले हम यहाँ से गए सोचे बिहार में, पटना में लॉकडाउन है, तो ओला बुक किया तो मान लीजिए कि किराया 150 रुपया था, तो वो 300 कोई मांगे, कोई 250 मांगे, लेकिन एक आदमी था जो मान गया 20 रुपया एक्स्ट्रा पर, मतलब 150 है तो 170 लिया, पहुंचा दिया हमको DAV स्कूल में, सेंटर था गोला रोड में। गए वहाँ पे तो एकदम भगदड़ वाला स्थिति था, मतलब प्रॉपर ना सोशल डिस्टेंसिंग ना कुछ। 200 लोगों को वैक्सीनेशन लगना था, स्लॉट जैसा कि दिया हुआ था कि 10:30 से 11:30 ऐसे करके था, तो मैं 10:30 से 11:30 गया था। सोचा था कि 50 लोग होंगे एक स्लॉट में, लेकिन 200 से कम लोग नहीं थे। बहुत भीड़ भाड़, ठेला ठेली हो रहा था, वैक्सीन लिया गया। उसके बाद वैक्सीन का नंबर आया, वैक्सीन लिया, उसके बाद वहाँ से चल दिया। तो मैं जब जा रहा था तो उस समय देख रहा था कि पटना में लॉकडाउन का एक मजाक चल रहा है, मतलब बिहार ही एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ लॉकडाउन एकदम मतलब मजाक है।